ऐसा जी मनुष्य का ऐसा जीव है सज्जनों, ये चाहे तो स्वर्ग का रास्ता अपना ले और चाहे तो नर्क का रास्ता अपना ले, ये स्वतंत्र है, जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। क्या लिखा कि तो पे चलनो नया वे गवार, गमार लिखा हमको क्योंकि हम भगवान की भक्ति नहीं करते। कि तो पे चलनो नया वे गमार डगरिया सीधी पड़ी, तो पे चलनो नया वे गमार डगरिया सीधी पड़ी। एक डगर गई स्वर्ग लोक को, एक डगर गई स्वर्ग लोक को, एक गई जमद्वार डगरिया सीधी पड़ी। एक गई जमद्वार डगरिया सीधी पड़ी, तो पे चलनो नया वे गमार डगरिया सीधी पड़ी। सज्जन वो सीधी डगर को अपना लो जो भगवान के मार्ग को जा रही है, उस डगर को मत अपनाओ जो संसार के मार्ग को तय करती है। सज्जनों भोजराज कंस ने अस्थि और प्राप्ति मामियों को समझा दिया और दोनों को समझाने के बाद भगवान श्याम सुंदर जीलों में पहले नाना अग्रसेन से मिले, नाना से क्षमा मांगी, चरण वंदना की, नानी पवन रेखा को बाहर निकाला और पुनः आकर के मथुरा का राजा महाराज अग्रसेन को बना दिया, ताकि दुनिया वाले ये न कह पाए कि राज के लिए अपने मामा को मार दिया। अब अपनी मैया से मिलने गए, मैया देवकी और वसुदेव से जीलों में मिले, जो मैया को देखा भगवान रो पड़े, मैया को हृदय से लगा लिया। माँ मेरे जैसे अभागे बेटे को तो माँ के गर्भ में मर जाना चाहिए, जिस बेटे को देखने के लिए माँ ने 6 बेटे खोए हो। बोलो कितने बेटा मारे कृष्ण ने? 6। जिस बेटे को देखने के लिए जिस माँ के सामने 6 बेटों को मार दिया गया हो, समझो उस माँ का दर्द कितना होगा, कितनी पीड़ित वो माँ हो रही होगी। तब जाकर के मेरे जैसे अभागे बेटे को जन्म मिला, मेरी माँ माफ कर देना भूल जाना, मेरे जैसा भागा बेटा भगवान किसी को ना दे। भगवान अपनी मैया को समझा करके नर लीला कर रहे हैं। सज्जन पिताजी की चरण वंदना की, अपने लाल को आते हुए देख करके मैया ने हृदय से लगा लो, मानो हजारों वर्षों से गौ से बछड़ा अलग हो जाए और जब वो एक दूसरे को देख ले तो समझ लो तड़पती हुई मछली को पानी मिल जाता है। सज्जन मैया खूब प्रसन्न हुई, पहले तो खूब रोई, मेरे लाल छोटो सो गयो, 10 मिनट मेरे लाला को पैदा हुए नहीं हुई कि मैंने लाला को देखा नहीं, मेरा लाल चला गया, आज मेरा लाला जवान होके आया है। मैया खूब रोई और रोने के बाद फिर मुस्कुराने लगी, अपने बेटे को वक्षस्थल से लगा लिया, छाती से लगाया। सज्जनों और भगवान लौट करके आए, इधर नाना अग्रसेन ने भगवान श्याम सुंदर का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, जनेऊ संस्कार हुआ और पढ़ने के लिए गुरु संदीपन के आश्रम में भेज दिया, पढ़ने के लिए गुरु संदीपन के आश्रम में भेज दिया। इधर भगवान श्याम सुंदर संदीपन के आश्रम में पढ़ने के लिए गए, भगवान संदीपन के आश्रम में पढ़ने के लिए गए, सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित। 64 दिन में भगवान ने 64 विद्याओं को सीखा और जब दक्षिणा का समय आया, गुरुदेव मैं आपको क्या दक्षिणा दूं, कहने लगे अगर दक्षिणा देना चाहते हो प्रभु, आप साधारण से बालक नहीं हो, सुदेव नाम का पुत्र समुद्री प्रवास में डूब गया है, मेरे बेटे को ला करके मुझे दे दो। भगवान समुद्र के पास में गए, भगवान ने समुद्र से प्रार्थना करी, समुद्र बोला तुम्हारा गुरु पुत्र हमारे पास नहीं है, आप अंदर जाएंगे तो संयमी नाम की नगरी है जहां पर शंकासुर नाम का एक दैत्य रहता है, और शंकासुर से शंख लेना और यमपुरी में बजाना, तुम्हारा गुरु पुत्र मिल जाएगा। अंदर घुसे शंकासुर नाम के दैत्य से भगवान का युद्ध हुआ और भगवान ने शंकासुर का वध किया, शंख लिया और शंख जाकर के यमपुरी में बजाया, गुरु पुत्र वापस ला करके गुरु जी को दे दिया, गुरु पुत्र वापस ला करके दिया। और भगवान 64 दिन में 64 विद्याओं को सीख करके मेरे प्रभु लौट करके आए, और भगवान जब लौट करके आए सज्जनों, अब भगवान उन गोपियों की याद में, वृंदावन की याद में, मथुरा में डूबे रहते, नित्य प्रति वृंदावन की याद में भगवान रहते हैं, भगवान नित्य प्रति वृंदावन की याद में डूबे रहते हैं। उधर देखा तब तक उद्धव जी आ गए। सज्जनों उद्धव जी का पदार्पण हो गया, उद्धव आ गए।